नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लहसुनी भिंडी की सब्जी। अब देखिए, भिंडी एक ऐसी सब्जी है, बच्चे हो या बड़े, इसे सभी खाना पसंद करते हैं। फिर चाहे रोटी के साथ, पराठे के साथ, कभी कभी दाल चावल के साथ सूखी सब्जी के तौर पर भी लेते हैं। पर आज जो मैं आपके साथ ये लहसुनी वाली भिंडी की सब्जी शेयर करने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही अलग है, खाने में भी मज़ेदार लगती है और कम तेल में भी बनती है। चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी ले ली है। इसे अच्छे से पानी से धोकर, साफ कपड़े से पोंछकर, ऊपर नीचे से थोड़ा सा काटकर इसे हमें गोल गोल टुकड़ों में काटना है। ना ही ज़्यादा बड़ा टुकड़ा रखें, ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम टुकड़ा रखना है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया, जैसे ही गर्म हो जाए 1/4 चम्मच जीरा डालकर, इसके साथ ना मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को छील कर काट लिया था वो डाल देंगे, और 2 हरी मिर्ची। अब देखिए, लहसुन को ज़्यादा मत भूनना, हल्की सी देखिए इस तरह से हो जाए तुरंत ही भिंडी डाल देना। अगर भूल से भी लहसुन जल गई, कुछ भी ये ज़्यादा भून गई ना, तो क्या होगा कि आपका जो ये लहसुनी भिंडी की सब्जी का स्वाद है ना, वो बिगड़ सकता है और बहुत ही गंदा लगता है वो स्वाद। इसलिए हल्का सा भून जाए तुरंत ही भिंडी डाल दें। अच्छे से मिलाकर स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे ढककर धीमी आँच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो लगभग यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हटा लेंगे और इसे एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, एकदम ये क्रिस्पी भी हो गई है नीचे से। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर। इससे जो भिंडी में थोड़ी चिपचिपापन होता है ना, वो निकल जाता है। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। देखो, एक तो ये स्टिकीनेस यानी चिपचिपापन है वो निकलेगा, और साथ ही साथ ये चटपटी होगी। अच्छे से इस तरह से मिक्स कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ, और लगभग इसे हमें ऐसे ही पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये लहसुनी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। जैसे कि मैंने आपको कहा, साधारण मसाले और कम तेल में ये सब्जी है, रोटी और नमक वाले पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगती है, ट्राई करना। और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।